अयोध्या मामला कोर्ट में है। संतों के गुस्से को शांत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आया था। उनका कहना है कि ना हम मंदिर के पक्ष में हैं ना मस्जिद के पक्ष में। साथ ही जो नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे उसको लेकर उनका कहना है कि सिद्धू का पाकिस्तान जाना सही है, पाक जनरल से गले मिलना शिष्टाचार, चर्चा सिद्धू पर नहीं शिक्षा और रोजगार पर हो। इस देश में सिद्धू को लेकर के जितना बवाल हो रहा है उतना बवाल इस प्रदेश में नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, उनको काम देने के लिए अगर चर्चा होती लाइन आर्डर के सवाल पे, इस पे बैठ करके लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग चर्चा करते तो ये बात समझ में आती। ये घुमाते फिराते कुछ ऐसे नेता हैं, ये घुमाते फिराते पाकिस्तान भारत हिंदू मुसलमान ये करते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। विनोद, जब जब ओम प्रकाश राजभर से कुछ पूछा गया उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में रखा, इस बार क्या कुछ कहा विस्तार से बताइए। जी बताना चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं। आज फिर संत कबीर नगर जिले में पहुंचे हुए थे, जब मीडिया वालों ने उनसे कहा कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के पक्ष में मैं तो नहीं हूं और बीजेपी के लोग हैं उनसे ही आप बात करें। और दूसरी तरफ नवजात जो सिद्धू वहां पे गए हैं पाकिस्तान और उनको वहां जाना चाहिए था, उनके वो दोस्त हैं, अगर उस जगह पे मैं भी रहता मैं भी वहां जाता। नहीं, इसके पीछे का तर्क आपने जानने की कोशिश की विनोद की, अगर आप तो विनोद आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। राकेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी राकेश जी, आपके ये जो साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जब भी सवाल करिए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर देते। केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उनका बयान केवल इसलिए लाया गया ध्यान भटकाने के लिए, और साथ ही वो तो नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने पर जनरल से गले मिलने को भी सही ठहरा रहे हैं। देखिए हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, अपना विचार हो सकता है और भारत के लोकतंत्र की ये खूबी है। वो सरकार में हमारे सहयोगी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हर विचार से हर स्टैंड से वो सहमत हो। वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नीतियों के साथ सहमत असहमति अगर व्यक्त करते हैं तो वो महत्वपूर्ण होती है। बाकी हमारा स्टैंड अपना है, उनका स्टैंड अपना है, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान का सवाल है तो उन्होंने कुछ नई बात नहीं कही है, कुछ अलग नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी का 90 के दशक से जो स्टैंड रहा है उसी स्टैंड को जो है क्लियर करने का काम किया है, किसी भी प्रकार की कोई नई बात नहीं कही। नहीं राकेश जी, लेकिन जब सरकार में सहयोगी बनते हैं तो विचारधाराएं एक हो जाती हैं, काम एक हो जाते हैं, लेकिन जब जब देखिए राजभर जी विपरीत दिशा में बहते नजर आते हैं तो ये कैसे सहयोगी आपके? नहीं, जनता की समस्याओं के समाधान के मसले पर, सरकार की कल्याणकारी नीतियों के मसले पर कोई भी पॉलिसी ऐसी बनानी हो उसको लेकर के किसी भी प्रकार की मतभिन्नता नहीं हो सकती है। जिस पोर्टफोलियो का वो काम देख रहे हैं, जिस मंत्रालय का वो विभाग देख रहे हैं उसको लेकर के किसी प्रकार की वो सरकार की नीति से अलग नहीं जा सकते हैं। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है, कैबिनेट के मंत्री के दायित्व के नाते जो उनकी अपेक्षा होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, जहाँ तक राजनीतिक मसलों पर अपना स्टैंड करने का मसला है वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष है और राजनीतिक दल के अध्यक्ष के नाते अपनी पार्टी का स्टैंड रखना उनका। ठीक है राकेश जी, बने रहिए हमारे साथ। जी बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के MLC सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। थैंक यू। इस बार राजभर जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को और साथ ही जो नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे थे पाकिस्तान, दोनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में फिर से खड़ा कर दिया। देखिए कम से कम इस सरकार में कहीं ना कहीं तो डेमोक्रेसी दिखती है। कम से कम राजभर जी लगातार इस सरकार के भ्रष्टाचार पर, इस सरकार के मनवादी व्यवस्था पर, सामंतवादी सोच पर, और अब जिस तरीके से ये नौटंकी नई शुरू की है जी, भगवान राम की बात करने लगे हैं। हालांकि हम लोग जिस परंपरा के लोग हैं अंत समय में सब लोग भगवान राम को याद करते हैं जी। अब ये सरकार का अंत समय आ गया है तो ये लोग भी याद कर रहे हैं, और याद कौन कर रहा है जी? जो शपथ ली है अपना विभाग नहीं देख पा रहे जी, गड्ढे नहीं भर पा रहे, बात दूसरी कर रहे हैं। ठीक है, ये असल मुद्दे से भटका करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास है इनका। और ठीक है, एक बार हमारे साथ ओंकार राज सिंह जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप बने रहिएगा सुनील जी हमारे साथ।
बहुत बहुत स्वागत ओंकार नाथ सिंह जी आपका भारत समाचार पर। सिंह साहब आपसे जानना ये चाहेंगे, पंजाब सरकार ने जरूर साथ ना दिया हो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जब वो पाकिस्तान गए, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में सरकार की सहयोगी पार्टी और खुद ओम प्रकाश राजभर ने साथ दे दिया, उनका कहना है कि सही गए थे, कोई गलत बात नहीं है अगर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं। इसमें आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, कम से कम एक सहयोगी तो आपको मिला, कम से कम ये लोग निशाना साध रहे थे कांग्रेस पार्टी को लेकर सिद्धू के बहाने, तो एक सहयोगी मिल गया आपको। चलिए अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने कहा है इस बात को, वो समझ रहे हैं, उनका कोई एक गड़ा समझ रहा है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ओंकार नाथ सिंह जी आपका भी, राकेश त्रिपाठी आपका भी और सुनील सिंह साजन जी आपका भी। तो ना हम मंदिर के पक्ष में है और ना मस्जिद के पक्ष में है, सिद्धू का पाकिस्तान जाना सही ठहराया है ओम प्रकाश राजभर ने।